डिजोल्व करे ताकि जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो डिक्रीज हो जाए बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट उसके बाद हमें मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है इस सोल्यूशन के लिए यहाँ पर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए राउल्ड लॉ यूज करना होगा तो यहाँ पर हम लेंगे पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर है पी नॉट जो कि है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट एंड हमारे पास सॉल्वेंट है सॉल्वेंट हमें गिवन है वाटर तो हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर एंड पी एस पी एस इज वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ डिवाइडेड बाय पी नॉट है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट कम हो गया तो प्योर का यहाँ पर अगर हंड्रेड है तो यहाँ पर कम कितना हुआ है ट्वेंटी फाइव हुआ है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट को हमने लिख दिया ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड तो हमें क्या मिल गया दैट पी नॉट की वैल्यू है हंड्रेड एंड पी नॉट पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव परसेंट जो रिड्यूस हो रहा है उसी से हमने बताया है इस रेशियो से ही तो यहाँ पर अब ये पी नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा हंड्रेड माइनस पी एस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी पी एस इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव दट इज सेवेंटी फाइव एंड हम यहाँ पर लॉ की एक और फॉर्म लिखेंगे जो की होती है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस अब हमारे पास पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव एंड पी एस की वैल्यू है सेवेंटी फाइव ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये इक्वेलेंट होता है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पर भी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये भी इक्वेलेंट है टू मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सोल्यूट के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर बी बी एंड यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वेलेंट है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी जो सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे बी सब्सक्रिप्ट बी सब्सक्रिप्ट इज फॉर सोल्यूट एंड ए इज फॉर ए यूज करेंगे फॉर सॉल्वेंट यहाँ पर अब हम मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा यहाँ पर अगर बी हम सोल्यूट के लिए यूज करें सोल्यूट हमें गिवन है यूरिया एंड है हमारे पास वाटर तो यहाँ पर हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ पर हम बी भी, भी ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वलेंट होता है टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट तो यहाँ पर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट चाहिए हमको मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर वेट के लिए मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है एनएच टू सी ओ एन एच टू यूरिया के अंदर है टू नाइट्रोजन आइटम टू नाइट्रोजन आइटम है नाइट्रोजन आइटम का मास होता है प्लस यूरिया के अंदर है हाइड्रोजन आइटम atom, जिनका मास होता है वन कार्बन आइटम जिसका अटोमिक मास होता है ट्वेल्व प्लस वन ऑक्सीजन आइटम जिसका अटोमिक मास होता है सिक्सटीन कैलकुलेट करने पर यूरिया का मोलिकुलर वेट मिल जाएगा दैट इज सिक्सटी ग्राम पर मोल अब हमें वॉटर का भी कैलकुलेट करना है मोलिकुलर वेट ऑफ वॉटर तो वाटर के लिए आएगा वन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं टू हाइड्रोजन आइटम टू हाइड्रोजन आइटम जिनका एटॉमिक मास है वन हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक मास है वन वन प्लस ऑक्सीजन जिनका एटॉमिक मास मासन देर फोर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा एटीन ग्राम पर मोल तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में था तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इसी तरह से यहाँ पर भी वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर अब इस फॉर्मूला में हम सब कुछ पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आएगा वेट ऑफ यूरिया वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया जो की हमने कैलकुलेट किया है सिक्सटी ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूरिया वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल प्लस वेट ऑफ वाटर हमें हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम को हमें वेपर प्रेशर डिक्रीज करना था डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल तो यहाँ यूरिया यह इसकी यूनिट ग्राम में होगी तो यहाँ पर जो ये ग्राम है ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा ग्राम से ग्राम कैंसिल एंड यूनिट हमें मिल जाएगी मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल आएगा टू वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय सिक्सटी मोल इसी तरह यहाँ पर भी वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय सिक्सटी मोल प्लस हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन मोल अब यहाँ पर जो हमारे पास यूरिया है यूरिया वो सॉल्यूट है और सॉल्यूट का सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर नेग्लेजिबल इन फ्रंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो पर हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कर सकते हैं अब अब ये number of moles of solute ही है mass of solute divided by molar mass of solute. तो पर अब mole fraction, mole fraction of urea का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय सिक्सटी मोल डिवाइडेड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन मोल यहाँ पर जो मोल यूनिट है कैंसिल आउट हो जाएगी एंड हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का डब्लू यू डिवाइडेड बाय सिक्सटी इंटू एटीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पीएस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड इसकी वैल्यू जो थी दैट वॉज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी अब इसको रीअरेंज करेंगे हम फॉर वेट ऑफ यूरिया दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई इसे कैलकुलेट करने पर हमें वेट ऑफ यूरिया मिल जाएगा दैट इज ट्रिपल वन पॉइंट वन ग्राम हमें ये बताना था फर्स्ट पार्ट के लिए कि वेट ऑफ यूरिया हम कितना ऐड ताकि 25% डिक्रीज हो जाए प्रेशर वाटर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा जो हमें करना है नेक्स्ट हमसे पूछा गया मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन तो जो मोलैलिटी है बी पार्ट में जो हमसे पूछा गया दैट इज मोलालिटी जो की एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इक्वल होता है टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है जो कि वाटर है बट ग्राम्स में गिवन है हंड्रेड ग्राम गिवन है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ले लेंगे फॉर यूरिया मास डिवाइडेड बाय वेट नंबर ऑफ मोल्स की जगह ले लेंगे वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट तो मोलालिटी आ जाएगी वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय बायिकुलर वेट ऑफ यूरिया ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए एंड यहाँ पर हमें नीचे मास मास ऑफ ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी भी चाहिए भी चाहिए दैट इज वॉटर इन किलोग्राम तो वन किलोग्राम ये हमारे एक एक्सप्रेशन हो गया है जिसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास वन किलोग्राम इक्वल होता है टू थाउजेंड ग्राम वन किलोग्राम इक्वल होता है टू थाउजेंड ग्राम ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है इससे हम वेट ऑफ वाटर दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ वाटर को कन्वर्ट करेंगे दैट इज ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्जन फैक्टर दैट इज वन किलोग्राम ग्राम नीचे आ जाएगा थाउजेंड ग्राम तो ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन किलोग्राम अब हम यहाँ मोलैलिटी के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं सारी वैल्यूज मोलैलिटी मोलैलिटी इक्वल आएगा तो यहाँ पर मास ऑफ वेट ऑफ यूरिया

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर